बॉबी लैशली चाहते ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रीमैच डीन एम्ब्रोस के नाम पर रेने ने दी है गाली। रोमन रेंस एंड गोल्ड का होगा तगड़ा फेस और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE इन द गॉसिप्स WHG। बस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस, बॉबी लैशली जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे कांड की जो कि हमने देखा हो मंडे नाइट रॉ के बाद। तो इस बारी की रॉ दोस्तों रेटिंग में उतना बढ़िया नहीं कर पाई। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंडे नाइट रॉ की कितनी रेटिंग है, लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा रॉ के बाद हमने तगड़ा एनकाउंटर देखा है, वो भी एक फीमेल सुपरस्टार का मेल सुपरस्टार के साथ। दरअसल दोस्तों इस बारी के रॉ के अंत में हम लोगों ने देखा कि आर के ब्रो वाले अपना मैच हार जाते हैं जो कि दोस्तों केविन ओवंस एंड सेथ के खिलाफ था, लेकिन उस पर दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवंस को लगाया तगड़े वाला आरके, जिसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज जाने वाले होते हैं। यहाँ दोस्तों एक जो वीडियो है कब्जा वायरल हुई, जिसके अंदर दोस्तों बैकी लिंच के खिलाफ फेस ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकी लिंच ने उन्हें बहुत सारी गालियां निकाली है, 3 सेकंड की क्लिप है और बैकी ने उन्हें 300 गालियां दे दी है, लेकिन रैंडी ने कुछ नहीं किया, जिससे पता चलता है कि बैकी को क्यों द मैन कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज भी हमारी जुड़ी हुई है वो छोटे दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि होने वाला था सेथ का रेसलमेनिया ओपोनेंट, लेकिन अब नहीं होगा। तो शेन मैकमैन दोस्तों एज पर रिपोर्ट्स बताए जा रहे हैं कि ओपोनेंट होने वाले थे सेथ रॉलिंस के इस बारी की रेसलमेनिया में। दरअसल दोस्तों डे मेल्जर ने रिपोर्ट सामने रखी जिसके अंदर वो ये चीज बोले हैं कि शेन मैकमैन जो थे वो अपोनेंट होने वाले थे सेथ रॉलिंस के इस बारी की रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 38 में, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि शेन मैकमैन को डब्ल्यू वाला ने निकाल दिया। दरअसल दोस्तों इस बारी की एलिमिनेशन चेंबर जो होनी थी उसमें शेन मैकमैन भी पार्ट होने थे और वहां से दोस्तों सेथ एंड उनकी राइवलरी बिगिन होनी थी, बट गाइस WWE वालों ने शेन मैकमैन को निकाल दिया। ऐसे में दोस्तों उन्हें शेन मैकमैन की जगह देनी पड़ गई ऑस्टिन थ्योरी को। तो यही एक रीजन रहा दोस्तों जो हमें प्लांस में बड़ा चेंज देखने को मिला है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज आज ही हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों हमारे एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि जल्द AEW के अंदर होने वाला है। तो इस हफ्ते दोस्तों WWE का कोई एक बंदा जो कि WWE को छोड़कर चला गया था अब हमें देखने को मिलेगा AEW में। दरअसल टोनी खान ने ये चीज कही है हाल ही के एक इंटरव्यू में कि AEW रैम्पेज जो है काफ़ी बड़ा होने वाला है और कोई एक साइनी है जो कि दिखाई देगा इस बारी की AEW रैम्पेज में। ये साइनी दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली फॉरबिडन डोर से आएगा, ये चीज़ उन्होंने साफ कर दी है। माना दोस्तों कोई ऐसा बंदा जो कि पहले WWE के साथ था वो अब AEW में दिखाई देने वाला है। कई फैंस एक्सपेक्ट करें कि जेफ हार्डी होंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैट हार्डी ने कन्फर्म कर दिया जेफ हार्डी वो बंदा नहीं होने वाला है, वो दोस्तों कोई और नहीं, वो होने वाले हैं कीथ ली। दरअसल जेफ हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 9 मार्च तक है WWE के साथ, माना वो नो कंप्लीट कॉज में दोस्तों WWE के साथ है लगभग 9 मार्च तक, और 9 मार्च के बाद दोस्तों जब भी कोई डेट आएगी वो किसी भी कंपनी के अंदर दिख सकते हैं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 9 मार्च को कहीं भी नहीं दिख सकते। और ये जो बंदा होने वाला है एज पर रिपोर्ट्स बताए जा रहे हैं कि कीथ ली होंगे, तो कीथ बेयर कैट ली या फिर कीथ ली आप कह सकते हैं, वो दोस्तों AEW को इसी हफ्ते ज्वाइन करने वाला है। काफ़ी मेगा न्यूज़ है, चलते हैं इससे अगली अपडेट के ऊपर। इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस की पत्नी से, जिन्होंने कह दिया है समोआ जो को सन ऑफ अ बिच। तो समोआ जो को सन ऑफ अ बिच क्यों कहा रेने यंग ने, चलिए जान लेते हैं। तो डीन एम्ब्रोस WWE का पार्ट नहीं है, AEW में जॉन मॉक्सली के नाम से लड़ते हैं और AEW के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल मई के आसपास खत्म हो जाएगा। लेकिन गाइज इसी दौरान रेने यंग ने समोआ जो को गाली निकाली। हुआ क्या कि गाइज एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होगी जो कि आज से कई साल पुरानी है, जब दोस्तों द शील्ड एक साथ थी और समोआ जो दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू दिए थे किसे रेने यंग को मंडे नाइट रॉ के दौरान, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि डीन एम्ब्रोस को वो इतना ज़्यादा पे लेंगे कि वो घर पर बैठ जाएगा और उसे अपनी वाइफ के पैसे पे या फिर कह लीजिए टुकड़ों पर पलने की जरूरत पड़ेगी। और इंटरव्यू किसी और ने नहीं बल्कि रेने यंग ने लिया था, जिसे आज दोस्तों रेने यंग ने जब देखा तो उन्होंने रीट्वीट करते हुए समोआ जो को लिखा सन ऑफ अ बिच, हालांकि जो काफ़ी अच्छे सुपरस्टार थे और गाइस डीन एम्ब्रोस भी दोनों WWE का पार्ट नहीं है। चलते हैं आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने
बॉबी लैशली से। तो गाइस बॉबी लैशली ने कह दिया है मुझे चाहिए ब्रॉक लैशली के खिलाफ रीमैच। तो हाल में दोस्तों बॉबी लैशली का इंटरव्यू लिया ब्लीचर रिपोर्ट ने, वही चीज बोले कि इट वाज गुड टू गेट दैट फर्स्ट मैच इन। देखो मैंने बहुत से मैचेस लड़े हैं लेकिन ब्रॉक लैशनर जैसा बंदा जो था वो उन्होंने पहली बार फेस किया है। आगे वो चीज बोले हैं, आई स्टिल थिंक देयर सम बैड ब्लड दैट नीड्स टू बी फॉट ओवर ही कंक्लूडेड। या फिर कह लीजिए दोस्तों जो हमारे लैशली है उन्होंने साफ कर दिया है उन्हें दोस्तों मैच चाहिए किसके खिलाफ, ब्रॉक लेशनर के खिलाफ। उन्होंने साफ कर दिया है दोस्तों कि बैड ब्लड अभी भी है और उस बैड ब्लड को साफ करना बेहद जरूरी है। अभी भी दोस्तों दुश्मनी है लैशनर के खिलाफ उनकी, अब देखते हैं कभी आगे मैच बनता है। इसके अलावा दोस्तों बॉबी लैशनर ने एक बहुत बड़ी चीज कही है जिस पे डिबेट होना काफी ज्यादा जरूरी है। बॉबी लैशली ने इसी इंटरव्यू में चीज कही है, देखो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बेल्ट को ज्यादा बड़ा नहीं बताना चाहिए, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के बराबर ही है। देखो हम किस कंपनी के लिए काम करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मेरे पास है। हाँ मैं मानता हूँ रोमन रेंस इस वक्त काफ़ी बढ़िया कर रहा है, वो अपनी गेम में टॉप पर है, लेकिन इससे कुछ भी कम कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी उसी लेवल की है जिस लेवल की है यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट। आगे ये चीज़ बोले, ब्रॉक लेसनर ने चूज़ करना था रोमन को, उसने किया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की जो बेल्ट है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बेल्ट बड़ी है या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बेल्ट, आपको क्या लगता है? डब्ल्यूडब्ल्यूई आप रोज़ाना देखते हैं तो इस पर दोस्तों अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे बिल गोल्डबर्ग से। तो एज पर रिपोर्ट दोस्तों बताया ये जा रहा है कि गोल्डबर्ग जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन हो सकते हैं। डे मेल्जर ने अपनी हाल ही रिपोर्ट में ये चीज़ बताई कि गोल्डबर्ग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई द्वारा रीसाइन किए जा सकते हैं सऊदी वाले इवेंट के बाद। सऊदी वाला इवेंट जो है यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर जो है वो होने जा रहा है दोस्तों 19 फरवरी को। कई लोगों का मानना ये है कि उनका आखिरी मैच होगा, ऑब्वियसली उनका ये आखिरी मैच होगा, लेकिन डे मेल्जर की माने तो इसके ठीक बाद विंस मैकमैन उन्हें एक और डील में साइन कर लेंगे। रीजन इसके पीछे का वो ये दिए हैं कि डब्ल्यू वाले के पास अब उतने ज़्यादा लेजेंड्स नहीं हैं सऊदी की क्राउड को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ एक डर और है कि गोल्डबर्ग कहीं अपोजिशन वाली कंपनी को ज्वाइन ना कर ले, तो ऐसे में WWE उन्हें रीसाइन कर लेगी। अब रीसाइन हो रहे हैं तो दोस्तों इससे कई प्रोबेबिलिटीज़ कई थिंग्स उभरती है, जैसे कि दोस्तों गोल्डबर्ग का जीतना, क्योंकि गोल्डबर्ग अगर रीसाइन हो रहे हैं तो आगे जाकर भी वो टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि एलिमिनेशन चैम्बर में हार ही जाए, लेकिन यहाँ थिंग साफ हो चुकी है कि उन्हें WWE रीसाइन करने वाली है। और वहीं बात की जाए दोस्तों इसी से जुड़ी हमारी आज की एक और न्यूज़ की, तो गाइज रोमन रेंस का आ चुका है फाइनली बिल गोल्डबर्ग के ऊपर रिएक्शन। लास्ट वीक दोस्तों गोल्डबर्ग रोमन रेंस को ये चीज़ कहकर गए थे कि तुम मेरे अगले विक्टिम हो और विक्टिम के तौर पर मैं तुम्हें अक्नॉलेज भी करता हूँ और तुम मेरा अगला शिकार होंगे, योर नेक्स्ट पेल। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रोमन रेंस ने उस वक्त कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है, रिएक्शन आ चुका है। तो IW वालों ने ये चीज लिखी थी, 2 years इन द मेकिंग 1-on-1 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, इस मैच को एडवर्टाइज किया था ट्विटर के ऊपर, जिसे रोमन रेंस ने जब देखा तो वो चीज लिखे है कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो आयरलैंड टाइम पर चलता है। आई हैवन बीन वेटिंग फॉर एनीथिंग, दिस वर्ल्ड रन्स ऑन आयरलैंड टाइम। अगर वो चीज़ लिखे, टॉप ऑफ द माउंटेन हेड ऑफ द टेबल एंड रियलिटी चेक टू एनीवन हु थिंक्स दे विल टेक द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप फ्रॉम, यानी कि ये जो है रियलिटी चेक रहेगा उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं मुझसे चैम्पियनशिप को छीन सकते हैं, मैं टॉप ऑफ द माउंटेन हूँ इंक्लूडिंग यू बिल, यानी कि तू भी पाया जाएगा। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा मेरे हिसाब से इनके मध्य कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखी जा सकती है इस बारी की फ्राइडे स्मैकडाउन में, जो कि दोस्तों काफी ब्रूटल जा सकती है। या तो गोल्डबर्ग दोस्तों अटैक कर देंगे रोमन रेंस के ऊपर, या फिर रोमन रेंस उसोस के साथ मिलकर दोस्तों पिटाई कर सकते हैं बिल गोल्डबर्ग की, क्योंकि अब बैड ब्लड बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। सवाल ये रहेगा कि किसका स्पीयर ज्यादा तगड़ा है, गोल्डबर्ग का या फिर रोमन रेंस का, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।